मैं हूँ वर्षाली मल्होत्रा, आप सबकी मुन्नी। कीप वॉचिंग बोल इंडिया न्यूज़। अब सच दिखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। नई ऑफिस ओपनिंग किया है आप लोगों ने और मालिक का ये सफल हो, क्या कहना चाहेंगे शो सर? जी, सबको पहले नमस्कार। बद्री शिवाय फिल्म प्रोडक्शन और बलबीरा स्टूडियोज़ का आज ग्रैंड ओपनिंग हुआ है। सो ग्रैंड ओपनिंग करने के पीछे रीज़न ये था कि आज सबसे पहला और सबसे बड़ा वर्कशॉप यहाँ पे लेना था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था बच्चों बड़ों के लिए, सबके लिए। एंड वर्कशॉप के बाद में अब हमारी कुछ मूवीज़ आने वाली है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स आने वाली है, तो उसको हम हाईलाइट लेके जाने वाले हैं। एंड जैसे कि मैं डायरेक्टर हूँ और जो हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं वो सब लोग हैं यहाँ पे, और हमारे साथ में जो हमारी टीम है जिसमें MDs है, CEOs है, हम लोग सारी टीम यहाँ पे मिलके काम करने वाले हैं और देखते हैं आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है नागपुर के लिए। और मेरा ये कहना है कि नागपुर के लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, एक बलबीरा स्टूडियो और बद्री शिवा एंटरटेनमेंट BBS करके हम लोगों ने एक टाइप किया है, बहुत खूबसूरत सा एक हमारा प्रयास है नागपुर के सभी लोगों के लिए। तो मैं दिल से सबको वेलकम करता हूँ कि आइए और अपना जो भी एक्टिंग स्किल्स है, जो भी सीखना है, वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप, डांस वर्कशॉप, सिंगिंग वर्कशॉप, हम सभी यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं धीरे धीरे, और सभी को मौका मिलेगा, सभी को चांस मिलेगा और हम डे बाय डे ग्रो करेंगे। साथ में हमारी फिल्में भी आने वाली है, उसमें आप कोलैब कीजिए, मोस्ट वेलकम। अंकित, क्या कहना चाहेंगे आप? कोविड के बाद की जर्नी की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने टीम वर्क करके एक ऑफिस ओपन किया है, जी क्या इसमें फैसिलिटीज रहेंगी, क्या फ्यूचर और आगे प्लान है आप लोगों के? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और बोल इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग टूट चुके थे और उनमें से हम भी थे, तो एक नया जर्नी स्टार्ट करना था, क्विट तो करना नहीं था, तो हम लोगों ने फिर एक मीटिंग की, हम सब मिले और तैयारी की कि हम फिर कुछ शुरू करेंगे। मुंबई जाना, वहाँ स्ट्रगल करना इतना इजी नहीं होता, यहाँ के जितने बहुत सारे कलाकार हैं जो मुंबई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और मायूस होकर वापस आते हैं, तो हम लोगों ने नागपुर में ही एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस टाइप किया, बद्री शिवाय फिल्म प्रोडक्शन एंड बलबीरा स्टूडियो, ये टाइप करके हमने एक नया मंच नागपुर के लिए और सभी कलाकारों के लिए है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों से हो पाएगी वो हम देंगे और आप लोगों का भी सहयोग लगेगा, आप सब अपना साथ और आशीर्वाद बनाएं, बस यही कामना है और बस गुड विशेस चाहिए आप सबकी। शॉर्ट एल्बम भी बनाया है और शूट वगैरह भी किया है, फ्यूचर अगर सामने देखे तो क्या है? अभी जो नया हम लोग करने वाले हैं तो शॉर्ट फिल्म्स करने वाले हैं और एक बड़ी मूवी आ रही है जिसका नाम है विध्वंस। उसी के साथ साथ फेब एंड में हम लोग नागपुर में पुलिस वालों के लिए एक इवेंट करने वाले हैं जिसका नाम है रक्षक वर्दी का सम्मान, और कुछ बड़े सितारे इसमें होंगे और उसी के साथ साथ जितने भी कोविड योद्धा वॉरियर रह चुके, कोविड वॉरियर रह चुके, उनका मान सम्मान करेंगे उसमें, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी शॉर्ट फिल्म्स हमारी शूट होती है उसको प्रेजेंट करेंगे, बस फ्यूचर का यही प्लान है। या रामनगर स्क्वायर के पास में, छोटा रामनगर इसको बोला जाता है, शिवछाया अपार्टमेंट और बलबीरा स्टूडियोज़ के नाम से फेमस है।